Welcome to E Town News, जहां आपको मिलेगा daily dose of Bollywood news, fashion trends, TV and social media से जुड़े हर update. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Bollywood celebrities पहुंचे एक award show पर, जहां उन्होंने दिखाया glamour and style. क्यों रणबीर आलिया स्टार और ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट हो गई है पुश? रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट हो गई है पुश। इस साल दिसंबर में रिलीज होने वाली इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल फाइनल तक नहीं हुई है। ऐसे में फिल्म को लेकर हो रही देरी पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट के पास फिल्म की रिलीज में हो रही देरी के लिए है परफेक्ट जवाब। Because it's a very different kind of film, so good things take time. Well, आलिया का साफ कहना है कि अच्छी चीजों को बनने में जरा वक्त लगता है। वैसे आलिया खुद इस इवेंट पर डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र की शूटिंग मनाली से करके लौटी है, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने एक सॉन्ग और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया है। वैसे इस इवेंट पर आलिया के साथ वरुण धवन भी नजर आए और आलिया ने यहाँ वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D को लेकर भी बात की। It's coming up really well. I'm still shooting for that. Street Dancer is going to release, I think, on the 24th of Jan. Alia in a theater near you. In a theater near you. Alia is Brahmastra next. I have Brahmastra. And I've seen Street Dancer ka trailer. It's very big. Yeah, Brahmastra. वैसे वरुण धवन आजकल अपने डैड के साथ कूली नंबर 1 की शूटिंग कर रहे हैं। वेल, फैंस को आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र और वरुण की दोनों फिल्म्स का बेसब्री से इंतजार है। संदेश आक्टे, जूम, मुंबई। कार्तिक आर्यन को पिछले कुछ वक्त में कई बार संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था। ऐसे में हर जगह रूमर सामने आ रही थी कि कार्तिक संजय लीला भंसाली की किसी फिल्म में नजर आ सकते हैं। कहा तो यहाँ तक गया था कि कार्तिक संजय लीला भंसाली की पहली पसंद है वो आलिया स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी। लेकिन अब संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक ऑफिशियल रिएक्शन सामने आया है और उनका कहना है, दिस इज कम्प्लीटली अनट्रू एंड बीइंग स्प्रेड बाय इररिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्ट्स। कार्तिक इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड फॉर एनी फिल्म बाय संजय लीला भंसाली सर फॉर एनी डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट और अदरवाइज फॉर नाउ, बट वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू रिलीज। साफ है संजय लीला भंसाली की टीम ने कार्तिक के साथ किसी भी फिल्म में एसोसिएट होने की खबर से इनकार कर दिया है। वैसे कार्तिक के संजय लीला भंसाली के ऑफिस को विजिट करने के पीछे क्या वजह थी, इस पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं आई है। कहा तो ये भी गया था कि कार्तिक संजय लीला भंसाली की डायरेक्टेड फिल्म नहीं बल्कि किसी और प्रोजेक्ट के लिए भंसाली प्रोडक्शन के कंसिडरेशन में हैं। लेकिन फिलहाल इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद क्लियर हो गया है कि कार्तिक संजय लीला भंसाली के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे। कार्तिक आर्यन वैसे आजकल अपनी फिल्म पति पत्नी और वो की एक्ट्रेसेस भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे के साथ इस फिल्म के प्रमोशंस में बिजी हैं। और इस फिल्म को लेकर जिस तरह का बज बना हुआ है, ये फिल्म कार्तिक की एक और सक्सेसफुल फिल्म बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सोशल मीडिया पर फैली नेगेटिविटी का सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं बॉलीवुड सेलेब्स। और अब अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर फैली नेगेटिविटी और हेट्रेड को बदलने के लिए एक स्पेशल कैंपेन की शुरुआत की है। अनुष्का शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, फ्रॉम सेलिब्रेटिंग गुडनेस एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस टू स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड इंक्लूसिविटी, लेट्स टुगेदर बी अ कम्युनिटी दैट जनरेट्स कन्वर्सेशंस व्हिच मेक यू हैप्पी एंड इंस्पायर्ड। And here's the hashtag happy tweets emoji to encourage these conversations. Hashtag love and light project. Source
सोर्सेज का कहना है कि अनुष्का शर्मा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी कनेक्टेड हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मिलने वाले हेट्रेड और अब्यूज से वो वाकिफ हैं। अनुष्का को लगता है सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लव और हैप्पीनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं, और ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली इस तरह के लोगों को साथ लाएगा। अनुष्का ने एक स्पेशल इमोजी को भी लॉन्च किया है, जिसे यूज किया जा सकता है व्हाइल पोस्टिंग पॉजिटिव ट्वीट्स एंड हैप्पी ट्वीट्स। वेल, सेलेब्स के लिए सोशल मीडिया जितनी जरूरत की चीज है, यहाँ फैली नेगेटिविटी उतनी ही उन्हें हर्ट करती है। ऐसे में लगता है ये कैंपेन एक बदलाव ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Tuesday night, Bollywood celebs like Alia Bhatt, Varun Dhawan, Ayushman Khurrana, Anushka Sharma, Ananya Pandey, Kartik Aaryan, Kiara Advani, Malaika Arora aur Karan Johar ne attend kiya the 6th edition of the Filmfare Glamour and Style Awards. और इन स्टार्स ने रेड कार्पेट पर मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए बताया कि अकॉर्डिंग टू देम कौन है सबसे स्टाइलिश। आई थिंक मिस्टर बच्चन इज सुपर स्टाइलिश, और मुझे विजय देवकोंडा का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, वरुण भी बहुत अनयूजुअल तरीके से स्टाइल करते हैं। जब भी वो किसी फिल्म का पब्लिसिटी नहीं, जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली है तो वो उस फिल्म के किरदार में ड्रेस करने लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज सी अ डिफरेंट वरुण, ही इज ऑलवेज प्लेइंग अ डिफरेंट स्टाइल। नो, डोंट यू एग्री? मुझे, हाँ जी, क्या ऐसे लाइव कमेंट्स, लाइव बैड वर्ड्स ही मिलते हैं आलिया से मुझे, बट बहुत अच्छा। जहां आलिया ने बताया उन्हें साधन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन लगते हैं सबसे स्टाइलिश, वहीं वरुण धवन ने बताया कि क्यों उन्हें रणबीर कपूर लगते हैं स्टाइलिश। मुझे स्टाइलिश कौन लगता है, आई थिंक एक्चुअली जेन्युइनली, मुझे जेन्युइनली मस्ती नहीं कर रहा, आई जेन्युइनली फील की रणबीर बहुत अच्छी तरह ड्रेस करते हैं, कैजुअल लुक्स में हो या इनहेरेंटली स्टाइलिश। आई थिंक उनके जो रणबीर और उनके जो पिताजी है ऋषि जी, वो भी हमेशा बहुत स्टाइलिशली ड्रेस करते हैं, जो उनके जो स्वेटर्स व्हिच ही वुड वेयर इन हिज सॉन्ग्स, इन द सॉन्ग्स, वो मुझे बहुत कूल लगता है। खास बात ये रही कि आलिया और वरुण के अलावा मलाइका अरोरा, मोनी रॉय और कार्तिक आर्यन ने भी शेयर किया कि कौन है उनका स्टाइल आइकन। Just lovely and stylish and just so good. Audrey Hepburn, Catherine Hepburn, I have a long list. Victoria Beckham. And yeah. Bollywood mein there's so many. I think everybody is very well turned out nowadays because you know we have such great stylists. Sabke personal styles itne acche hain. So if I have to absolutely, I just in fact you know I was coming in the car and I saw what Alia was wearing, so I thought it was beautiful. And everybody, Alia, Sonam, Deepika, रायन गॉस्टिंग, मेरे को उनकी स्टाइल बहुत पसंद है, बहुत ही बेसिक येट स्टाइलिश लगता है। इस अवार्ड नाइट पर यहाँ सैनन सिस्टर्स कृति और नुपुर को भी स्पॉट किया गया। इस दौरान जहाँ कृति ने नुपुर के लेटेस्ट सॉन्ग की तारीफ की, वहीं उन्होंने इस वीक रिलीज हो रही अपनी हिस्टोरिकल ड्रामा पानीपत को लेकर एक्साइटमेंट भी शेयर की। Whole story that they came up with, I thought that was beautiful, and yeah, I'm very happy that it's done so well. It's, I think it's crossed all of my songs. ये एक ऐसी war थी जिसका चाहे result जैसा भी रहा हो, उसका जो courage था, जो उन लोगों पे बीती, वो पता होना चाहिए हम सबको. And also a very important thing that intrigued me was कि अहमद शाह अब्दाली जो हैं, वो उन्होंने चार बार पहले इन्वेट किया था, ये पांचवी बार था, वो जीते थे बैटल लेकिन वो वापस नहीं आए कभी, तो क्यों नहीं आए? सो आई फील कि आई ऑल्सो होप कि बच्चे देखें, यू नो आई फील हिस्ट्री हमें बुक्स में जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, मैं भूल गई थी, तो जब आप देखते हो तो आप एक्सपीरियंस करते हो, एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू वॉच इट। अभी देखी नहीं इसने, कल देखी, मैंने नहीं देखी अभी, ट्रेलर के साथ, और ये पहली फिल्म है जो इसने मुझे पहले नहीं दिखाई है अभी तक, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने नहीं देखी है तो मैं, हाँ
आपको तो दिखाना पड़ेगा। नहीं मैं गुड लक हूँ इसकी, मैं इसकी फिल्म्स पहले देखती हूँ हमेशा। वेल इस पीरियड ड्रामा पानीपत के साथ कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो भी रिलीज हो रही है, जिसे लेकर कार्तिक भी है सुपर एक्साइटेड। मेरे को चिंटू जी सुनना पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है जब कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं मेरे को सब लोग। और आई थिंक जिस दिन से ट्रेलर आया उस दिन से सब लोग चिंटू त्यागी करके बुला रहे हैं मेरे को, चिंटू जी बुला रहे हैं, सो आई एम रियली हैप्पी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म मरजावां, क्या है सक्सेसफुल फिल्म? क्या इस फिल्म को कहा जा सकता है एक सुपरहिट फिल्म? वेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। ऐसे में इसे कई लोग सुपरहिट फिल्म नहीं मान रहे, और रिसेंटली जब एक इवेंट पर फिल्म की वन ऑफ द एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह से इस फिल्म को मिले रिस्पांस पर बात की गई, तो उन्होंने अपनी फिल्म को जमकर डिफेंड किया। द फिल्म्स बीन डिक्लेयर्ड अ हिट एंड आई एम वेरी हैप्पी। सी वी न्यू ऑलवेज दैट इट वाज फॉर अ सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंसेस एंड दैट सेक्शन हैज रियली लैप्ड अप द फिल्म, सो वी वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 50 करोड़ एंड द फिल्म वाजंट मेड इन टू मच ऑफ अ बजट, सो We're good. I'm pretty happy. Well, Rakul Preet Singh ka saaf kehna hai ki is film ne 50 crore se zyada ka business kiya hai. Aise mein ise flop film nahi kaha ja sakta. मरजावां को ऑडियंसेस से तो एवरेज रिस्पांस ही मिला था, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बुरी तरह से स्लैम किया था। वैसे मरजावां के मेकर्स पहले से ही कहते आ रहे थे कि ये फिल्म आम जनता के लिए है, क्रिटिक्स के लिए नहीं। वेल, इस फिल्म के कलेक्शंस और स्टार कास्ट को देखकर आप भी फैसला कीजिए कि इस फिल्म को आप रखना चाहेंगे इन सक्सेसफुल कैटेगरी या फिर एवरेज हिट फिल्म। संदेश आगते, जूम मुंबई। अनु मलिक पर लगे मी टू एलिगेशंस के बाद उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल को क्विट कर दिया था, और अब सिंगर म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने अनु मलिक को इस शो में रिप्लेस कर दिया है। हिमेश इस शो को एज अ जज ज्वाइन करके काफी एक्साइटेड हैं, और उन्होंने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, आई वॉज अ पार्ट ऑफ सुपरस्टार सिंगर एंड नाउ माई जर्नी कंटिन्यूज। इट इज नॉट ओनली वन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग सिंगिंग रियलिटी शोज बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वंस। आई एम एक्सट्रीमली एलेटेड। From here on, the responsibility only increases twofold. I have been following this season, and I must say that this year has seen phenomenal singers come forward, who I am sure will create ripples in the Indian music industry. साफ है हिमेश इस शो को ज्वाइन करके काफी खुश हैं। वैसे हम आपको बता दें, अनु मलिक पर सिंगर सोना महापात्रा, नेहा भसीन और श्वेता पंडित ने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद इस शो को रन करने वाले चैनल पर अनु मलिक को हटाने का जबरदस्त प्रेशर था। वैसे इस सीजन से पहले भी अनु मलिक को इस शो को मी टू एलिगेशन की वजह से क्विट करना पड़ा था, और हाल ही में एक ओपन लेटर लिखकर अनु मलिक ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बताया था और लीगल एक्शन की वार्निंग भी दी थी। वैसे अब तक इस शो को क्विट करने के बाद से अनु मलिक की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। कमिंग अप ऑन द शो, क्या है देवोलीना के फैंस के लिए गुड न्यूज? देवोलीना के फैंस के लिए है एक गुड न्यूज। जी हाँ, आप सबके लिए है एक गुड न्यूज, और वो ये है कि देवोलीना यानी गोपी बहू की हो रही है स्पीडी रिकवरी, और वो कर सकती हैं बिग बॉस के घर में दोबारा एंटर विद अ बैंग। हुआ ये था कि कई दिन रहने के बाद देवोलीना को हो गई थी स्पाइन में इंजरी, जिसके चलते उन्हें घर से निकलना पड़ा था। बट आफ्टर मेडिकेशन एंड प्रॉपर रेस्ट देवोलीना हो रही है ठीक, और तैयार कर रही है अपने आप को घर के अंदर जाने के लिए। और इसका हिंट किसी और ने नहीं, हमें दिया इनकी दोस्त और एक्ट्रेस दिलजीत कौर ने
अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके। बिग बॉस सीजन 13 का आज का दिन कैसा रहा और क्या क्या हलचल रही बिग बॉस के घर में और इनके मेहमानों के बीच में, आइए देखते हैं। रश्मि ने कल किचन में बोला भाऊ मन करेगा तो खा लेने का, तो वो खुद तो जो कर रही है वो सबको भी उस चीज के लिए उत्सुकता रही है कि खा लेने का, तब उस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो कुछ भी हुआ। अभी हम ये सफर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर ऐसी चीज ना होती तो ये नौबत ही ना आती कि लग्जरी बजट वापस रखा जाए, और इसीलिए मेरा नाम रश्मि गुजरा। नाम है शुक्ला। जो चीज आसानी से सुलझ सकती उन्हें नहीं सुलझाई। उनके सारे डिसीजंस बहुत खराब और गंदे रहे और वो गुंडागर्दी करके घर में अपने प्रूफ कराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि गुंडा कैप्टन कभी बनने लायक हो ही नहीं सकता। इतनी आग क्यों लग रही है? नाम बोल रही है, नाम बोलने दे। ये बोलती है तभी तेरे को आग लग जाती है। तू लड़कियों से मिलेगा? लड़की क्यों, जैसे तू यहाँ पे? हाँ मैं लड़की से बच्चे से हूँ। लड़की को बोल छुपटने के लिए। लड़की साहब चलता हूँ ना, इधर आ, इधर आ। ट्रेन चलने की आवाज आएगी। जो पहले चढ़ गया वो बच गया, जो आखिरी में गया वो गया। आखिरी में चढ़ा अरहान। ओके आई नो व्हाट टू डू। वो नहीं। अरे मुझे मत बताओ ना। क्यों? मायरा का है, मायरा का। मुझे पता है क्या है। क्यों? मेरा डिसीजन है। अभी मुझे रीजन नहीं देना है। संचालक है तो फालतूगिरी करेगा, थोड़ी बता करके खेलेगा। आबरा कटाबरा मैं ऊपर छाबड़ा। संचालक ने फैसला सुना दिया है, रेगुलेशन का है। वायरस इधर आ। फिर मुझे मैं समझाओ, क्या तुम मुझे समझाओगे गेम? बिग बॉस भी क्यों डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? तू पागल हो गया? चीटिंग लग रहा है तो चीटिंग ही सही। गेम इज ऑन। कुछ महीनों पहले रणवीर सिंह ने अनाउंस की थी अपनी फिल्म जयेश भाई जोरदार, और आज रणवीर सिंह ने अनवेल किया अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक विद द कैप्शन जयेश भाई हैं एकदम जोरदार। हैशटैग जयेश भाई जोरदार, हैशटैग मनीष शर्मा, हैशटैग दिव्यांग ठक्कर @YRF, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स एंड रिएक्शंस रणवीर सिंह को मिले। वहीं सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने लिखा भाई जोरदार। अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने खुद को फिजिकली प्रिपेयर किया फॉर सदाशिव राव भाऊज रोल फॉर पानीपत। ही ऑल्सो सेड आई कांट बिलीव द फिल्म इज अबाउट टू कम आउट, आई शॉट दिस इन जनवरी व्हेन वी वर अबाउट टू बिगिन शूटिंग अगेन आफ्टर द न्यू ईयर ब्रेक। इट्स बिन अ जर्नी एंड अ हाफ, सो ग्रेटफुल फॉर द चांस टू प्ले भाऊ। 48 आवर्स टू गो। अनन्या पांडे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस, जहां वो नजर आई विद कार्तिक आर्यन ऑन द लॉन्च ऑफ अ न्यू सॉन्ग तू ही यार मेरा। लेट्स टेक अ लुक। Christmas is in the air because Disha Patni already is prepping for Christmas as she shared a few pictures and videos of her with her friend having a fun time. कैटरीना कैफ ने शेयर किए कुछ वीडियोस, जहां वो नजर आई अपनी न्यू ब्यूटी लाइन के बारे में बात करते हुए, एंड शी ऑल्सो गेव हर वीडियोस फनी कैप्शन। श्रुति सैनन ने शेयर किया एक वीडियो, जिसमें वो नजर आई विद अर्जुन कपूर एज दे वर सीन डांसिंग टुगेदर। मलाइका अरोरा ने शेयर की अ प्री अवार्ड फंक्शन वीडियो ऑफ हर्स इंट्रीगिंग हर फैंस ऑफ व्हाट्स कमिंग अप। परिणीति चोपड़ा दिखी अपने साइना मूड में एज शी शेयर्ड अ डे टू वीडियो एंड स्टिल्स फ्रॉम हर अपकमिंग फिल्म बेस्ड ऑन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। लेट्स टेक अ लुक।
सिद्धार्थ मल्होत्रा जो अपनी रीसेंट फिल्म मरजावां की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं वांट्स टू कीप द मोमेंटम गोइंग एज ही शेयर्ड अ वीडियो फ्रॉम अ डबिंग स्टूडियो। तापसी पन्नू ने शेयर किया एक फनी वीडियो ऑफ भूमि पेडनेकर जिससे पता चला कैसे अनकंफर्टेबल हील्स में भी भूमि कुड डू अ डीवा लाइक वॉक। Yes, I'm ready. Boomi, it's rolling. No, no, show me the real walk. Show me the real walk. Kim, there's a tie between Deepika and Ranveer. I think they're damn stylish. And there's a tie between them and Nick Jonas and Priyanka Chopra. I think there's this supermodel Gigi Hadid. I really like the way she dresses up, the way she carries herself, even at airports and everywhere. So yeah, Bundi ke laddu. I'm very, very desi in this manner. Both, voice notes. There was this toffee that was my favorite toffee at that point of time and my dadu used to get it for me. It was, I don't think it even comes now, it's called Googly. So, he used to call me that. That I become the most decisive person and because I think a lot, I'm an overthinker. And I pre-analyze every situation. I make it big, like even a small situation. So, I just want to be the most decisive person on this planet that you ask me one thing, like you ask me this question, and I should have been able to just spot on tell you.